लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि जहां आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं अब बचाव में उतरे हैं मुलायम सिंह यादव। जी हां, आजम पर लगे आरोपों को बेबुनियाद मुलायम सिंह यादव ने बताया है और यह भी कहा कि गलत तरीके से मामले दर्ज किए गए हैं आजम खान के खिलाफ, चाहे वो उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे उनको लेकर हो कोई भी मामला, चाहे उन पर यह भी आरोप लगे जिस तरह से कि किसानों की जमीनों को हड़पने का काम भी किया गया। आजम ने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। और साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन चलाने की भी बात कही है मुलायम सिंह यादव ने। ये बहुत बड़ी राहत की बात उनके लिए इसलिए है क्योंकि जहां मुलायम सिंह यादव सक्रिय इतने नहीं रह रहे थे आजम खान को लेकर, पार्टी को लेकर, तो वहीं अब उन्होंने आंदोलन तक करने की बात कही है। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे मुलायम सिंह यादव, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी जानकारी भी दी और अपनी ओर से कहा भी कि आजम के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और इसे सहन नहीं किया जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुलायम सिंह यादव का आजम खान के पक्ष में बयान अब सामने आया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि एक ही दिन में 5-5 मामले भी दर्ज हो चुके हैं आजम खान के खिलाफ। उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे, आरोप ये भी लगे कि उन्होंने जहां गरीबों को तंग किया तो किसानों की जमीन हड़पने का भी काम किया। तरह तरह के मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई मामला सामने आ ही जाता है। अमित यादव ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर मौजूद है। अमित यादव, बड़ा सहारा मिला है मुलायम सिंह यादव का आजम खान को, जरूर थोड़ी बहुत तो राहत महसूस करेंगे कि हाँ समाजवादी पार्टी के सभी नेता उनके साथ है। अब जहां अखिलेश यादव थे, अब मुलायम सिंह यादव ने भी आंदोलन तक करने की बात कही है। बिल्कुल, आपको कमल बता दें जिस तरीके से आज मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तरीके से सरकार को निशाना साधा, कहा कि सरकार और सरकार की जो अधिकारी है वो लगातार आजम खान को प्रदान कर रहे हैं, आजम खान की अभी तक ऐसी कोई भी छवि नहीं है तो दूसरे को प्रदान किया किए हों या दूसरे की जमीन कब्जा किए हों। जिस तरीके से आजम खान ने चंदे से पूरी यूनिवर्सिटी बनाई है और यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उसमें जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाया जा रहा है और प्रस्थान किया जा रहा है, उस पर आजम खान को लगातार प्रस्थान किया जा रहा है जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा मुलायम सिंह यादव का कहना है। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा है कि अगर कल तक न्याय नहीं मिलता है आजम खान को तो परसों से समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, एक बड़ा आंदोलन करेगी। साथ में ये भी सारे नेताओं से मुलायम सिंह यादव ने अपील की है कि सारे नेता मिलकर आजम खान के साथ रहें और आजम खान की जो मुद्दा है उसको जो तरीके से उठाएं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी मुलायम सिंह यादव जो उसका संस्थापक है, अब वो जिस तरीके से खुलकर आजम खान के सामने आए हैं, आजम खान के पक्ष में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आजम खान को बड़ी राहत है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो आजम खान का मुद्दा है उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाती है और किस तरीके से सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसको सिद्ध कर पाती है। जी, अमित यादव जो भी बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया है, मुलायम सिंह यादव ने जो भी कहा है, ऐसा लगता है कि योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते दिखाई दिए हैं और निशाना साधा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार को लेकर तो यही कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनको जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से अन्याय हो रहा है आजम खान के खिलाफ। यानी कि योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे निशाना साधा है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये निशाना नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे कि पूरे मामले को लेकर पूछा गया है मुलायम सिंह यादव से क्या आप इसके लिए इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हाँ हम इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो प्रधानमंत्री तक जाएंगे और प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम ये चाहते हैं कि आजम खान को न्याय मिले और आजम खान का जो पूरा मामला है उसकी निष्पक्ष जांच हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी के साथ और आजम खान के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं आजम खान को बड़ी ताकत मिली है और तमाम नेताओं से उन्होंने अपील की है कि पुरजोर तरीके से एक आंदोलन चलाया जाए अगर उनको न्याय नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से आजम खान के पक्ष में आकर खड़े हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अब इस पूरे मामले से फिर से एक बार सोचना होगा कि अगर आजम खान की लगातार इस तरीके से FIR दर्ज हो रही है, अगर उसकी जाँच होती है उसकी स्पष्ट तरीके से नहीं होगी तो मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से हल्ला बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ। अमित यादव, आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं और उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये मजबूरी भी बन चुकी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की कि समाजवादी पार्टी को एकता के सूत्र में बांधे और चुनाव की तैयारियों के बीच जो नेगेटिव इमेज जा रही है समाजवादी पार्टी की उसको सुधारा जा सके, आंदोलन की चेतावनी यानी कि चुनाव की रणनीति। बिल्कुल, आप कह सकते हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता है जो जिनका जो दांव होता है उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, वही चीज से कई निशाने करने के माहिर माने जाते हैं और लगातार करते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लगातार लोग हट रहे हैं, लगातार लोग अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता
उसके लिए पड़ता है या उसके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं और वो निष्पक्ष रहता है, तो उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता उसके साथ खड़े रहेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश भी है मुलायम सिंह यादव के द्वारा, और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से पार्टी छोड़ती जा रही है, तमाम जो नेता है वो अलग अलग दलों में शामिल होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर, उनके लिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी सभी नेताओं के साथ है, जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश आज दिखाई दी है मुलायम सिंह यादव के द्वारा। मगर अब देखना किस तरीके से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को इकट्ठा कर आजम खान के जो पक्ष में खड़ा कर पाते हैं, और आजम खान के साथ जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि रैलियां की जाएगी, साथ में आंदोलन किए जाएंगे, वो आंदोलन किस तरीके से दिखाई देगा वो देखना। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी आमने सामने अब होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित यादव, आपने जानकारी दी। तो कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन चलाने की भी बात कही है मुलायम सिंह यादव ने। आजम खान के खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है बीजेपी के खिलाफ, और कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और इसके तहत जो भी काम किया है आजम खान ने वो अच्छा किया है, गरीबों की बेहतरी के लिए किया है, लेकिन गरीबों का दुश्मन बनाने का काम बीजेपी के द्वारा मनगढ़ंत तरीके से किया गया है कि आजम खान को दुश्मन बनाया जाए गरीबों का। ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं।